हेलो फ्रेंड्स, विजन वेलकम्स यू। माय सेल्फ प्रशांत सर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ प्लांट सर्वाइव, प्लांट कैसे सर्वाइव करते हैं। और हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट, उसमें कौन कौन से टाइप्स के प्लांट होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एक्वाटिक है, इंसेक्टिवोरस, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड यूजेज ऑफ प्लांट्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट कैन बी फाउंड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द अर्थ, प्लांट लगभग अर्थ पर हर जगह हैं। वी कैन सी डिफरेंट प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट प्लेसेस, हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं, जैसे सीशोर, डेजर्ट, प्लेन, हाई स्नो कवर्ड माउंटेन। जैसी जगह होती है उस जगह के प्लांट उसी प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर एक प्लांट ये देखो, देख लेना ध्यान से, कुछ कुछ याद आया कौन सा प्लांट है ये। गुड, ये कैक्टस है। कौन सा? कैक्टस। अब हमें बताना है हाउ मैनी लीव्स डज इट हैव, इसमें कितनी लीव्स हैं। तो भाई लीव्स तो इसमें है ही नहीं, हमें तो सिर्फ कांटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये है ना, इसमें लीव्स नहीं है, इसमें ओनली स्पाइंस हैं। तो लिख दोगे कोई लीव नहीं है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्टेम, स्टेम कलर क्या है। देखो ये सारी स्टेम्स हैं, इतनी सारी किस कलर की हैं, ये हैं ग्रीन कलर की, ठीक है। विच पार्ट डू यू थिंक कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस दिस प्लांट, इस प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस कैरी कहाँ होता है। तो जो पार्ट ग्रीन है वही होगा, यानी क्लोरोफिल की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल की वजह से लीव्स या स्टेम्स ग्रीन होती हैं, तो वही फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो यहाँ स्टेम ग्रीन है, तो स्टेम फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट, प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं। तो प्लांट को, प्लांट तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एक्वाटिक है, इंसेक्टिवोरस है और नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की। किसकी बात करेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की, यानी कि वो प्लांट जो लैंड पर होते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द लैंड एंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट, वह प्लांट जो लैंड पर उगते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। लैंड हैज़ डिफरेंट फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डेजर्ट। अब लैंड तो कई तरह का होता है, या तो प्लेन होगा, या माउंटेन होगा, या फिर डेजर्ट होगा। सम पार्ट ऑफ लैंड रिसीव हैवी रेनफॉल, प्लांट्स के सॉरी लैंड के कुछ हिस्से में हैवी रेनफॉल होती है, सम मॉडरेट, कहीं अधिक बरसात होती है, मतलब लगभग ठीक ठाक होती है, और कहीं कहीं बहुत हल्की होती है। लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड प्लेन्स, वह हिस्सा जो अधिकतर फ्लैट होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। लैंड्स हायर देन प्लेन्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, वह लैंड जो प्लेन से ऊंचा होता है उसको माउंटेन कहते हैं। माउंटेन्स आर जनरली कोल्डर देन प्लेन्स, माउंटेन प्लेन की अपेक्षा कुछ ठंडे होते हैं। ड्राई लैंड्स दैट रिसीव वेरी लिटिल रेन आर कॉल्ड डेजर्ट, वह ज़मीन जो सूखी होती है, जहाँ बहुत कम बरसात होती है, वो डेजर्ट कहलाती है। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट एरियाज, यानी कि अलग अलग एरिया में अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। डिफरेंट एरियाज, हम अलग अलग तरह के प्लांट्स को अलग अलग एरिया में देखते हैं। बिकॉज प्लांट्स नीड टू अडाप्ट टू द नेचुरल कंडीशंस ऑफ दैट एरिया टू बी एबल टू सर्वाइव देयर। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट फाइंड अ कोकोनट ट्री इन अ डेजर्ट बिकॉज डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। लेट अस नाउ स्टडी फीचर्स ऑफ प्लांट्स फाउंड ऑन लैंड। ऐसा होता है कि प्लांट जो होते हैं अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह के पाए जाते हैं, क्योंकि वो उस जगह की कंडीशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? अडॉप्ट। अडॉप्ट मतलब होता है टू एडजस्ट इन अ न्यू लिविंग कंडीशन, ठीक है। प्लांट्स इन प्लेन्स, प्लेन्स में प्लांट्स कैसे होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज,
प्लेन में दो तरह के कैटेगरी में उनको डिवाइड कर दिया है, एक तो जहाँ पर लेस रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होगी तो वहाँ कैसे प्लांट होंगे, मैनी ऑफ दीज ट्रीज कैन सर्वाइव वेरी हॉट क्लाइमेट, तो जाहिर सी बात है बरसात कम है तो वहाँ पर गर्मी अधिक है, और गर्मी अधिक है तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं अपनी लीफ को शेड कर देते हैं ऑटम में। पत्तियों को छोड़ देते हैं, जैसे पाकड़ देखी होगी आपने, पाकड़ का पेड़ देखा है तो ये फरवरी मार्च के आसपास सारी पत्तियां झड़ जाती हैं इसकी ऑटम में। फॉर एग्जांपल नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोक, शीशम एंड साल, ये पत्ते अधिकतर पत्ते जो हैं इनके सारे गिर जाते हैं। ये देखो प्लांट यहाँ पर पीपल का दे रखा है, प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, और फिर वह जगह जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ कैसे प्लांट होते हैं, दीज प्लांट हैव दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर अराउंड एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, रबर ट्री, एंटीक ट्री आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, यानी जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ के प्लांट्स हरे भरे होते हैं, हरियाली ज़्यादा रहती है वहाँ पर और उनमें पत्तियाँ नहीं झड़ती हैं, पूरे साल जो है वो हरे रहते हैं। फिर है प्लांट्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या होता है, दीज प्लांट्स हैव लीव्स दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड, ऐसी जगह पर प्लांट्स की लीव्स लगभग पूरे साल हरी रहती हैं, ऐसे प्लांट्स को हम एवरग्रीन ट्री कहते हैं। उनमें एग्जांपल है रबर ट्री का, टीक ट्री का, है ना, जो लगभग साल भर हरे रहते हैं और ऐसे एरिया उगते हैं जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं प्लांट्स ऑन माउंटेंस, माउंटेंस में प्लांट्स कैसे होते हैं। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेंस एंड हिली एरियाज, एग्जांपल पाइन, फर, ये यूजली टाल होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एंड कोन शेप होते हैं, मतलब लंबे होंगे और बिल्कुल सीधे होंगे और ये कोन की शेप, कोन कुछ ऐसा होता है ना इस तरह का, तो इस तरह की शेप में प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पर आपको एक प्लांट दिख रहा है, ये देखो ये लगभग कोन की शेप में है, है ना, तो ये प्लांट कोन की शेप में होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ गिरती है तो इस तरह से सीधे स्लाइड हो जाती है, नीचे गिर जाती है। और दीज फीचर्स अलाउ टू स्नो टू ईजली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेज, इसकी वजह से इनकी ब्रांच से ईजली बर्फ़ जो होती है गिर जाती है नीचे। दे आर यूजली फ्लावरलेस एंड हैव कोन विद सीड इनसाइड देम, इनमें अधिक फूल नहीं होते हैं और कोन होते हैं जिनके अंदर बीज होते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। द लीव्स ऑफ ट्रीज आर नीडल लाइक एंड हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट एनी डैमेज फ्रॉम स्नो, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं सुई जैसी होती हैं पतली पतली और इनमें वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब जैसा लगता है जैसे कि किसी ने इसके पत्तियों पर वैक्स लगा दिया हो, जिसकी वजह से स्नो जब बर्फ़ गिरती है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फिर है प्लांट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट में कैसे प्लांट्स होते हैं। ओनली दोज प्लांट दैट नीड वेरी लिटिल वाटर कैन सर्वाइव इन डेजर्ट, ऐसे प्लांट जिनको बहुत कम पानी चाहिए वो ही डेजर्ट में रह पाते हैं, कैक्टस है, बबूल है, डेट पाम है, ये मोस्टली ऐसे प्लांट हैं जो डेजर्ट में उगते हैं। दीज प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सेवर कंडीशंस इन ऑफ डेजर्ट, इनमें कुछ ऐसे फीचर होते हैं जिसकी वजह से ये डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं।
टू से वाटर डेजर्ट प्लांट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। पानी को बचाने के लिए जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें ये कुछ खास फीचर होते हैं। पहला फीचर क्या है, दे डू नॉट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। इनमें पत्तियां नहीं होती हैं और अगर हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। फोटोसिंथेसिस इज दस कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ग्रीन स्टेम के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ये डेजर्ट का एक प्लांट दे रखा है, पत्तियाँ तो है नहीं, तो ये स्टीम है, यही ग्रीन है स्टेम इसकी, तो स्टेम के द्वारा ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। दूसरा, दे स्टोर वाटर इन स्टेम विच बिकम फ्लैसी। और इनमें जो है पानी स्टोर हो जाता है जिसकी वजह से फूल के ये मोटी रहती हैं, फ्लैसी दिखती एकदम। मोस्ट प्लांट्स हैव स्पाइन और थ्रोन विच फर्दर रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। इनमें कांटे होते हैं अधिकतर प्लांट्स में, तो जिसकी वजह से उसमें से फालतू पानी का जो बहाव है वो रुकता है, फालतू का पानी बाहर नहीं एवेपोरेट हो पाता। अब बात करते हैं प्लांट्स इन स्वैम्प्स की, स्वैम्प में कैसे प्लांट्स होते हैं। स्वैम्प हैव स्टिकी सॉइल विच कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। स्वैम्प्स में स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। दलदल में मिट्टी कैसी होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी, और पानी भरा हुआ होता है उसमें, यानी घुस जाओ तो घुसते ही चले जाओ उसमें बिल्कुल, है ना। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, बिकॉज देयर रूट कैन नॉट ब्रीथ, और उनकी रूट्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो ब्रीथ नहीं कर पाती है। हेंस सम ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो हेयर हैव रूट्स दैट ग्रो अबव द सॉइल। इसीलिए जो उनकी रूट्स होती हैं वो ज़मीन से ऊपर उगती हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये इस लाइन से नीचे ये सारी दलदल है, कीचड़ है, इसके ऊपर रूट्स दे इतनी ऊपर उठी हुई हैं, ठीक है ना। जब ये रूट्स जो है ब्रीथिंग करती हैं, सच रूट कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स, ऐसी रूट्स को हम ब्रीथिंग रूट कहते हैं। ये जो रूट्स हैं जो ऊपर हैं ज़मीन से, इनको ब्रीथिंग रूट कहते हैं। बिकॉज दे टेक इन एयर एंड हेल्प अ प्लांट टू ब्रीथ। ये हवा को अंदर लेती हैं और प्लांट को ब्रीथ करने में मदद करती है। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाटर और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट को फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। अब यहाँ पर ये चिल्ला चिल्ला के पता नहीं क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। ब्रीथिंग रूट्स स्टिक आउट ऑफ वाटर एंड हैव पोर्स इन दैम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो ब्रीथिंग रूट्स, ये वाले रूट्स होती हैं, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसकी वजह से वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स ऑन सी कोस्ट। सी कोस्ट में कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, तो कोकोनट ट्री ग्रो इन कोस्टल एरियाज। कोकोनट ट्री जो है वो कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं। कोस्टल एरिया मतलब समंदर के किनारे, है ना। कैन सर्वाइव इन साल्टी वाटर एंड प्रेफर एरिया ऑफ हाई रेनफॉल। ये साल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, यानी नमक समंदर का पानी खारा होता है तो वहाँ भी ये प्लांट आराम से उग जाते हैं, और उस एरिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। दीज सीड ऑफ सच प्लांट्स आर कैरीड ऑफ फार अवे प्लेस बाई वाटर। यहाँ पर उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह पानी द्वारा चले जाते हैं, जैसे कोकोनट का बीज गिरा यहाँ पर ये, ठीक है, तो पानी से बहते बहते कहीं दूसरी जगह जाके लग जाएगा और वहाँ पर ये फिर से प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट की। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर नोन एज एक्वाटिक प्लांट्स। वो प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन तरह के होते हैं, फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग होते हैं मतलब तैरने वाले, या फिक्स होंगे या फिर अंडर वाटर पानी के अंदर पाए जाते हैं।
तो जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। स्टेम ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। इनकी स्टेम्स जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं और स्पॉन्जी टाइप की होती हैं, जिसकी वजह से वो पानी पर आराम से तैर लेते हैं। उसमें एग्जाम्पल है डकबीट का और वाटर हाइसिंथ का। ये वाटर हाइसिंथ है, पानी के ऊपर तैरती रहती है ना, और दूसरा एग्जाम्पल था इसका डकबीट का। तो ये फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, ये पानी में इधर से तैर के दूसरी तरफ आराम से पहुंच जाते हैं। फिर और प्लांट होते हैं जो फिक्स होते हैं ज़मीन में लेकिन रहते पानी में हैं। दीज प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। इन प्लांट की रूट जो होती है तालाब की तली पर फिक्स रहती है, ठीक है। दे हैव थिन लॉन्ग एंड होलो स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर। इनकी पतली और लंबी स्टेम होती है जो कि पानी के सरफेस पर आ जाती है। लीव ऑफ दीज प्लांट्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट। इनकी पत्तियां जो होती हैं इस तरह से बड़ी और पतली होती हैं, चपटी होती हैं, और बैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग। और उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, मतलब जैसे लगता है जैसे बैग्स किसी ने लगा रखा हो, है ना, तो उस पर पानी रुकता नहीं है और इसी वजह से पानी में सड़ने से बच जाती है। इसका एग्जांपल है वाटर लिली है, लोटस है। ये फिक्स प्लांट होते हैं। ये लोटस है, इसकी रूट जमीन तक गई होगी, अंदर तक, है ना। इनकी पत्तियाँ चौड़ी हैं और उन पर वैक्सी कोटिंग भी है। फिर अगला है अंडर वाटर प्लांट। वो प्लांट्स जो अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थिन एंड नैरो लीव्स विदाउट एनी स्टोमेटा। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं उनकी पत्तियां बहुत चपटी होती हैं और पतली होती हैं, उनमें स्टोमेटा भी नहीं होता। देयर लीव एब्जॉर्ब गैसेस डिजॉल्व इन वाटर डायरेक्टली थ्रू देयर सरफेस। ये क्या करते हैं, ये पानी को सीधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, गैसेस को जो पानी मौजूद है। जो गैसेस पानी मौजूद होती है तो वो उसी से ये ले लेते हैं। टेप ग्रास और पॉन्ड बीड आर एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। जो टेप ग्रास है और ये पॉन्ड बीड है ये अंडर वाटर प्लांट के एग्जांपल हैं। ये देखो टेप ग्रास का फोटो, ये रहा, इस तरह से टेप ग्रास होती है, ठीक है, ओके।